हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है? ड्रा ए ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी 5 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एबीसी इक्वल टू 60 डिग्री। पहले हम बीसी को 6 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। बीसी पहले मैंने दो पॉइंट्स निकाला, अब 0 से लेकर 6 तक ज्वाइन करना है, इसका नाम रखना है बीसी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है? 6 सेंटीमीटर। अब एंगल एबीसी डालना है 60 डिग्री। कंपास को उठाना है, एंगल डालना है 60 डिग्री। कहां पर? बी पर। ए बी सी, बी बीच में है, ए और बी के बीच में है, तब बी पर 60 डिग्री डालना है। कंपास को खोलना है या आपकी मर्जी कितना खोलना है, फिर मेन आर्क डालना है ऐसी। अब स्टूडेंट्स ये मेन आर्क लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर मैच हो गया। अब कंपास रखना है उसी पॉइंट पर, ये वाला 60 डिग्री देगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, पी से लेकर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं, तब आपको ये 60 डिग्री मिलेगा। यहां से आपको ये एड नाम रखने है इसको, मगर ए कहां पर आएगा? अब आपको ए बी 5 सेंटीमीटर डालना है। ए बी कंपास को उठाना है, 5 सेंटीमीटर आपको ये खोलना है। कहां पर कंपास को रखना है? बी पर। अब जहां पर ये मैच हो जाएगा वहां इसका नाम रखना है ए। ये यहां पर ए है, ए बी 5 सेंटीमीटर हमने रखा, एंगल ए बी सी 60 डिग्री है और बी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब यहां से ए को हम ज्वाइन करेंगे, ये आपको ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद हमें क्या करना है? देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हूज साइड्स आर 3/4। अब स्टूडेंट्स इस वाले रेशनल नंबर को नजर रखना है। बी से लेकर हमें एक रे डालना है, वो रे बी के साथ एंगल बी के साथ एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। इस रे को हमें नाम रखना है एक्स, बी एक्स बना। अब आपको क्या करना है? इस बी को 4 हिस्से करने, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास, रेशनल नंबर हमारे पास 3/4 है, इसमें 4 सबसे बड़ा है, 4 हिस्से इसको कर रहे हैं। ये हो गया बी वन, अब यहां पर रखना है, ये हो गया बी टू, अब यहां पर रखना है, ये हो गया बी थ्री, अब यहां पर रखना है, ये हो गया बी फोर, अब इसे डालना है बी फोर। अगर स्टूडेंट्स ये इस रे को थोड़ा बाहर आया, तब आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है। फिर यहां पर आप एक्स नाम रख सकते हो, इसका कोई मसला नहीं। अब यहां से बी है, तब ये वाला बी वन बनेगा, बी टू बनेगा, बी थ्री बनेगा, बी फोर। अब यहां पर जो आपके पास रेशनल नंबर था बी थ्री अपॉन बी फोर, अब स्टूडेंट्स हमेशा डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है। डिनोमिनेटर बी फोर है, इसको ज्वाइन करने है सी के साथ। इसके बाद क्या करना है? कंपास को उठाना, इसी बी फोर पर रखना पड़ता है, आग डाला, फिर न्यूमिनेटर पर जाना है, आग डालना है। अब पहला वाला आग नापना है, वो इतना आ गया, फिर इस वाले आग पर रखना है। अब स्टूडेंट्स ये वाला आपको ज्वाइन करना है बी थ्री से, ये पॉइंट आपको कहां से ज्वाइन करना है? बी थ्री से, सीधे ऐसे। इसको हम नाम क्या रखेंगे? डी। मैंने आपको इसे पहले वाली वीडियो में भी बोला है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा ट्रायंगल अंदर बनेगी, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तब हमारी ट्रायंगल बाहर बनेगी। अब स्टूडेंट्स कॉपी को ऐसे लेना है, आग को डालना है सी पर, कंपास रखना, आग डालना है,
ये दो मैच करने हैं। अब डी पर कंपास रखने है, आग डालना है। अब स्टूडेंट्स पहली वाली आर्क आपको मेजर करना है, फिर यहां पर रखना है। अगर ये नहीं मिला तब आपको डी पर और कंपास को रखना है बराबर, फिर इसको मिलाना है। अब स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट था, इसको कहां से ज्वाइन करने है, डी से ये वाला पॉइंट हम रखेंगे ई। अब स्टूडेंट्स हमारा नई वाली ट्रायंगल क्या बन गया, बी डी ई। ये था क्वेश्चन नंबर पांचवा। पहले हम खाली फिगर बनाएंगे, इसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन दिखाऊं। अब क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी को 7 सेंटीमीटर डालना है, 7 सेंटीमीटर बी सी को डालना है। ये है बी सी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल बी 45, बी पर कंपास 45 डालना है। 45 आपको आता है, पहले 90 डालना है, 90 का हाफ 45 होता है। पहले हम 45 डालेंगे, पहले हम 90 डालेंगे, यहां कंपास रखना है, आर्क हो गया 60। अब कंपास कहां पर रखना है, यहां पर हो गया 120। अब इस वाले को हम हाफ करेंगे, यहां से 30 मिलेगा, 30 और 60 90 होता है, सीधे ये ज्वाइन कर रहा, ये हो गया 90 डिग्री। मगर मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे 90 का हाफ चाहिए। तब स्टूडेंट्स आपको कहां कहां कंपास रखना है, एक रखना है यहां पर, आग डालना है, और रखना है यहां पर, आग डालना है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ये हो गया 45, एंगल बी हमें 45 डालना था, ये 45 होगा। एंगल बी के बाद क्या है, एंगल ए 105। मगर स्टूडेंट्स यहां एंगल ए है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, पहले मैं रफली एक ट्रायंगल बना रहा हूं। एंगल ए यहां पर है, ये 105 आपको डालना है, एंगल बी हमने 45 ड्रा किया, ये सी यहां हो, सी मेरे पास है, बी मेरे पास है, ए तो यहां कहीं पे आएगा। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल सी निकालूं। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना है, 105 प्लस 45। मैं पहले एंगल सी को देखूं ये कितना होगा, 105 और 45 कितना होगा, 150 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल सी का वैल्यू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, अब क्या आएगा, 30 डिग्री एंगल सी होगा। आप स्टूडेंट सी पर 30 डालो, कंपास आपकी मर्जी कितना रखना है, ये हो गया मेन आर्क। अब कंपास को यहां रखना है, ये हो गया 60, मुझे कितना डालना है, 30। अब ये हो गया आर्क, अब यहां पर नजर रखना कहां पर वो आर्क आएगा, यहां से कौन था से भी देखना है, ये वाला है वो पॉइंट कौन आएगा, ये वाला पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हम सीधे इस वाले तक लाइन तक ज्वाइन करेंगे, यहां पर आपको ए नाम रखना है, ये हो गया 105 डिग्री, यहां पर ये 45 हमने डाला, ये हो गया 30 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स एक रेशनल नंबर है आपके पास 4/3, यहां पर बी पर स्केल को रखना है, फिर एक रे डाल, इस रे को हम क्या नाम रखेंगे, बी एक्स। कितने हिस्से करने हैं, 4। कंपास कहां पर रखना है, डिनोमिनेटर पर, बाद में
पहले मैं चार हिस्से के बाद में बोल रहा हूँ, ये होगा एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरा